आज मैं बना रही हूँ मलाई से घी। तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि तुम कैसे निकालते हो मलाई से घी, तो मैं इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वेरी इजी वे, ये मेरी 3-4 दिन की मलाई है जिसे मैं रात को मैंने इसमें ये रात को मैंने इसमें 1 चम्मच दही मिला दी, और इसको ऐसे थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, और उसको मैंने मिक्स कर दिया था इसमें पूरी अच्छी तरीके से, और रख दिया बिना गर्म किए ही रख दिया एज इट इज़। और अब मैं इसको 8-10 घंटे हो चुके हैं ज़्यादा ही, तो अब मैं इसको आपको बताती हूँ मैं घी कैसे निकालती हूँ बिना किसी मिक्सर के। ऐसे ही बहुत इजीली आप इसको, बस आपको चलाना है ऐसे, थोड़ी देर हम चलाएंगे इसको, इसे मुझे पकड़ना पड़ेगा एक तरफ से। देखिए मैं इसको ऐसे ऐसे चलाऊंगी थोड़ी देर, मुझे रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। एक हाथ से मैं इसका हैंडल पकड़ती हूँ, ये पैन मैंने स्पेशली इसी के लिए रखा हुआ है, मैं इसमें बस मलाई ही रखती हूँ, और एक तरफ से इसका हैंडल पकड़ लेती हूँ और बस इसको थोड़ी देर बस मैं ऐसे चलाऊँगी। देखिए आप कितनी जल्दी से ये बनके, ये हैंडल को मैं हटा लेती हूँ, कितनी जल्दी से ये बनके तैयार हो जाता है। देखिए ये थोड़ा सा फ्लफी सा हो गया अभी, अभी इतनी जल्दी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, अगर मैं इसको पकड़ पाती हैंडल को तो और जल्दी से हो जाता। ये देखिए ना, इसके लिए मिक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मिक्सी भी गंदी हो जाती है, उसे साफ करना पड़ता है, और ना किसी और चीज़ की, ना इसमें दही फेंटने वाले की ज़रूरत है, बस हम इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए हमारा ही तैयार एकदम, देखिए ये मक्खन बन चुका है, क्योंकि हमने रात में इसमें दही डाल दी थी तो ये दही जम जाती है। दही डालने के बाद भी हमें इसे ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ज़्यादा देर नहीं, 3-4 राउंड आप ऐसे मार दीजिए, बस दही अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम ऐसे ही ढक के रख देते हैं। अब देखिए ये मक्खन बनके तैयार हो चुका है। कैसे पता चलेगा हमें मक्खन बनके तैयार हो गया? ये खाली मलाई है, मैंने इसमें दूध नहीं डाला हुआ है। देखिए ये देखिए पानी पानी सा इसका अलग हो जाता है इसका पानी। ये लिक्विड पानी छोड़ देगा, इसमें मेरे में मलाई ही मलाई है, दूध कम है, इसलिए ये इस तरह से है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी मिला लूँगी और बस हो गया हमारा तैयार घी। अब मैं इसमें पानी मिला देती हूँ, ये देखिए, और फिर से इसको एक बार फेंट लूँगी मैं इसको। इसे अब हम बड़े बर्तन में पलट लेंगे या इसी में भी निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल मक्खन अलग हो गया है और ये पानी अलग हो गया है। अब इसे हमें हाथ से निकाल लेना चाहिए या आप स्पून से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें हाथ इसमें लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसके चारों तरफ लग जाता है बर्तन के, वो भी निकालना है। इसको हम इस तरह से 2-3 बार पानी डाल के निकालेंगे। अब बड़ा बर्तन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये हमारा तैयार है, अभी इसमें थोड़ा अच्छा क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम इसमें एक बार पानी और डाल के, देखिए मैं थोड़ा करके दिखाती हूँ आपको, अभी देखिए इसका पानी थोड़ा साफ़ है उससे, तो जब तक हमारा पानी साफ़ नहीं हो जाता तब तक हम 1-2 बार निकालेंगे इसे,
एकदम क्लियर। एक बार और निकालेंगे काफ़ी है, मैंने एक बार किया है, अभी एक बार और निकाल लेंगे। ये देखिए इसका मलाई वगैरह जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाएगा और मक्खन रह जाएगा इसमें। ये देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया वाला मक्खन तैयार है हमारा। इसमें हम चाहे तो नमक थोड़ा ऐड कर लेंगे सॉल्ट, और ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं हम इसे, ऐसे ही रोटी पे लगा के भी खा सकते हैं। कुछ लोगों को घी में भी बहुत सब्ज़ी में भी बहुत पसंद है वाला घी। और अगर आप ऐसा मक्खन नहीं खाना चाहते हैं, आपका ज़्यादा, जैसे मेरा घी बन जाता है, ये 4 दिन का है तो मैं इसको स्टोर करके रखने के लिए इसको मैं ऐसे, अब मेरा साफ़ पानी हो गया है, इसमें से ये जो मलाई के ऐसे छिलके से होते हैं ये भी इसी में रह जाते हैं, ये देखिए। और बस इसको मैं अब गर्म करने रख दूँगी गैस पे, सिम गैस पे, और जब वो पानी सा नज़र आने लगे, बबल्स उसके ख़त्म हो जाएं, लाल मत होने दीजिएगा, हम इसको बंद कर देंगे। सिम गैस पे रखते हैं तो आराम से बनता रहता है, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे बस, और सफ़ेद सा हो पानी तभी बहुत, हम इसको गैस को बंद कर देंगे और हमारा घी तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा घी तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट और साफ़। इसे हम, ये मेरा भैंस का दूध आता है इसलिए वाइट है, गाय का दूध होगा तो आपका येलो होगा, या पैकेट का दूध होगा तो भी येलो होगा आपका। तो इसको हम जब गर्म करने रखेंगे तो हैवी बॉटन बर्तन में रखें, जैसे फ्राइंग पैन होते हैं हार्ड, सब्ज़ी का, लेकिन हल्दी का नहीं आना चाहिए, और नहीं तो उसमें येलो येलो हो जाएगा, या कढ़ाई में भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा घी बनेगा, थोड़ा वाइट पानी सा जब हो जाए, झाग ख़त्म हो जाए उसके, तब बंद कर दें और गैस से हटा दें, क्योंकि गैस गर्म रहती है तो वो और उसमें गर्म होता रहेगा तो वो लाल पड़ जाएगा। इसलिए जैसे ही इसका क्रिस्टल सा पानी सा हो जाए, बबल्स ख़त्म हो जाए, थोड़े बहुत ही बबल बचे, तभी बंद कर दें गैस। आई होप आप इस तरह से अब घी बना पाएंगी।